दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत हो गया आपके अपने YouTube चैनल इनपुट लाइफ हेल्थिक में। मेरा नाम दिलशाद और आज के इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप बी के मैच नंबर 4 के बारे में, जो कि फिलहाल खेला जाएगा इंडिया वुमेन्स वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स के बीच में। दोस्तों अगर आप इस मैच में अपनी स्मॉल लीग ग्रांड लीग हेड टू टीम बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही परफेक्ट वीडियोस में आए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हेड रिकॉर्ड्स, विन रिकॉर्ड, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट की सटीक जानकारी, रिसेंट परफॉर्मेंस, टीम कैप्टन, वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन, दोस्तों सब कुछ हम क्लियर करने वाले हैं। तो यार वीडियोस को आप लोग अभी से लाइक कर दें और वीडियोस को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैच जो फिलहाल 12 फरवरी अकॉर्डिंग 6:30 यानी कि शाम टाइम स्टार्ट होने वाला है। टीम न्यूज की अगर हम बारे में बात करते हैं, इंडिया वुमेन्स टीम की जो कप्तानी है हरमनप्रीत कौर कर रही है। अगर हम इस न्यूज के बारे में बात करते हैं इस टीम के, तो फिलहाल जो है हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना आपको पता था इंजर्ड थी, बट यहाँ पे इस मैच में आपको बैक करते हुए दिखाई देंगी और पूरी तरीके से दोस्तों फिट हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम के न्यूज़ के बारे में, तो इस टीम की जो है कप्तानी बिस्मा मारूफ कर रही हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हेड गार्ड्स के, दोनों टीम के बीच में जो कि खेले गए 13 मैच टोटल, जिसमें कि इंडिया वुमेन्स ने 10 विन करे, पाकिस्तान वुमेन्स ने 3। तो यार हेड गार्ड्स को देखते हुए तो कहीं ना कहीं लग रहा है हमें कि इंडिया वुमेन्स के जो है फिलहाल 99% मैच को विन करने के। आपको क्या लग रहा है तो कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप इंडिया वुमेन्स टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिलहाल कमेंट्स कर दीजिए एक प्यारा सा इंडिया वुमेन्स टीम विन, ठीक है, आपको जरूर करना, बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना, भूलना नहीं। दोस्तों गाइस ये मैच जो फिलहाल न्यूलैंड कैप टाउन स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्टेडियम के बारे में डिटेल्स में, दोस्तों जो कि पिच रहेगी बैटिंग फ्रेंडली रहने वाली है और फिलहाल पेस बॉल्स के लिए, स्पिन बॉल्स के लिए खास रहेगी। एवरेज स्कोर की हम बात करते हैं 140 का यहाँ पे स्कोर बन सकता है, क्योंकि बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहने वाला। अब बात करते हैं इंडिया टीम के प्लेइंग 11 के बारे में, स्मृति मंदाना, सैफ अली और दोस्तों आपको ओपन करते दिखाई दे सकती हैं। गाइस अगर हम बात करें स्मृति मंदाना, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लास्ट 5 मैचेस में कोई अच्छा स्कोर देखने को नहीं मिला था। एडवांटेज एक मैच में उनको मिला 74 रन का, जो कि आपको पता है साउथ अफ्रीका वुमेन टी20 सीरीज जो चल रही थी यार वहीं पे। बाकी अगर आप देखते हैं लास्ट मैचेस तो यार बहुत ही खराब, पूरे तरीके से फ्लॉप थी। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इनके हेडक्वार्टर्स की, तो फिलहाल जो है इन्होंने खेले 7 मैच पाकिस्तान वुमेन्स के गेम्स में, 165 रन बनाए हैं, 27 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, हाई स्कोर दोस्तों इनका हेडक्वार्टर्स में था 63। तो एडवांटेज इनको सामने टीम के गेस में पूरे तरीके से मिला है, बट गाइस आपको बता दूं ये फर्स्ट इनिंग को तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाती है, मतलब 20 से 15 ही रन। सेकेंड यानी कि चेसिंग इनका दोस्तों बहुत ही गजब कर रहा था। अटैकिंग बैट्समैन के हिसाब से दोस्तों आप इनको टीम में रख सकते हैं। बाकी जो लास्ट मैच है वो भी आप देख करके उसके अकॉर्डिंग दोस्तों कुछ ना कुछ सोच जरूर लीजिएगा। अब बात करते हैं जो इनके साथ ओपन करने वाले सैफ अली वर्मा, राइट हैंड बैट्समैन है। लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं गाइस, तो यार एडवांटेज इनको भी नहीं मिला कुछ अच्छा खासा, देख सकते हैं पहले मैच में 1 रन, उसके बाद 8, फिर 15, फिर 10 और फिर 15। सो बट अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम के गेस में, 1 मैच में 16 रन है, तो यार ये कुछ ठीक रह सकता है, मतलब टीम में रख सकते हैं, बट कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क नहीं लेना गाइस। बात करते हैं ओवरऑल, देखिए 24 करोड़ से बैटिंग करते हैं ओवरऑल टी20 मैचेस में, तो दोस्तों सोचना है टीम में रखने की, बट यार सभी टीम में इनको रखने वाले नहीं है। जेमिया रोड्रिक्स की बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है जो कि 1 डाउन बैट्समैन रहने वाले। दोस्तों अगर बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजमेंट होता है तो टेलीग्राम चैनल आप फटाफट ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लिंक मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फ्री में टीम अपडेट वगैरह सब कुछ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों देखिए टॉस के बाद पिच रिपोर्ट भी मैं वहीं पे कंफर्म वाली क्लियर कर दूंगा पूरे तरीके से, ठीक है, कैसे किस बॉलर से आप किस बैट्समैन को हेल्प मिलेगी। बट अभी फिलहाल बता देता हूँ कि स्पिन फ्रेंडली पिच रहने वाली है और बैट्समैन के लिए एडवांटेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहने वाला है। दोस्तों देखिए बात करते हैं जेमिका रोड्रिक्स, तो यार लास्ट 5 मैचेस में यहाँ पे 42 जो कि साउथ अफ्रीका वुमेन टी20 चल रही थी तो वहीं पर कुछ अच्छा स्कोर आया था। बाकी अगर आप देखते हैं तो पूरे मैच में फ्लॉप हो जाती है। होप गाइस इस मैच पे चलना चाहिए यार, क्योंकि ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हम इंडियंस के लिए। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं रिसेंट, तो कुछ खास नहीं है, सामने टीम के गेस में देखते हैं पाकिस्तान वुमेन्स के गेस में 3 मैच में 20 रन है, 10 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, ओवरऑल देखते हैं दोस्तों 30 करोड़ से, मतलब ओवरऑल टी20 मैचेस में गजब का परफॉर्मेंस इनका रहता है, बट यार क्या करें ये टी20 मैचेस में जो कि लास्ट 1 साल से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड कर पे, बाकी हिट बहुत तगड़ा करती है। अब बात करते हैं 4th नंबर के बैट्समैन जो कि आपको मिलने वाली हरमनप्रीत कौर, जो कि टीम की कैप्टन ऑलराउंडर, और फिलहाल अगर हम बात करते हैं इनके लास्ट मैचेस के बारे में तो यार गजब का परफॉर्मेंस था, एडवांटेज कंसिस्टेंट प्लेयर है। देखिए 56 रन, उसके बाद बैटिंग नहीं, फिर 42, फिर 21 और फिर आपको पता था इंजर्ड हो गई थी, ठीक है, बट यहाँ पर पूरी तरीके से फिट हैं, बैक आ सकती है टीम में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं सामने वाली टीम के गेस्ट में, 6 मैच में 107 रन है और 35 करोड़ से बैटिंग करती है पाकिस्तान वुमेन्स के गेस्ट में, हाई स्कोर जो कि 34 का था। दोस्तों तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट है, 35 का एवरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो टीम में इनको रखेंगे। और फिलहाल हम कैप्टन वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना के साथ जब फिलहाल इंडिया वुमेन्स टीम चेस करती है तो फिलहाल हम कर भी सकते हैं इन दोनों का, ठीक है, क्योंकि चेसिंग और फर्स्ट इनिंग का दोनों ठीक है, और स्मृति मंदाना का जो कि खासकर मैंने नोटिस किया है जो कि इनका रिकॉर्ड है, चेस बहुत अच्छा करती है दोस्तों वो। अब बात करते हैं थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पर मिलने वाली ऋचा घोष, जो कि विकेट कीपर एंड राइट हैंड बैट्समैन है, आपको पता है बहुत ज़्यादा हिट करने वाले प्लेयर्स हैं ऋचा घोष और सैफ अली वर्मा, बट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मैच में चल जाए, ऐसा होता है। दोस्तों रिसेंट फॉर्म की अगर हम बात करते हैं 5 मैचेस की,
तो यहाँ पे बैटिंग नहीं, पहले मैच उसके 49, फिर 33, फिर 7 और फिर 10। अगर देखिए सामने वाली टीम के केस में हम देखते हैं तो फिलहाल एक मैच में 26 रन है, तो यार कंसिस्टेंट है, हेड कॉर्ड बढ़िया है, ओवरऑल भी टाइट 22 के ओवर से बैटिंग करते, तो यार टीम इनको रख सकते हैं। ओके गाइस, फिलहाल ऋषभ घोष और हरमनप्रीत कौर और यहाँ पे स्मृति मंदाना, तो ये तीन प्लेयर्स अभी हमारी टीम में रहने वाली फर्स्ट टीम में। उसके बाद दूसरी टीम में देखिए मैं फिर रोटिंग स्कोर भी ट्राई करूँगा, जो कि रिस्की टीम बनाऊंगा। इस प्रकार की टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। बात करते हैं देविका वाई देखिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट ब्रेक बॉलर्स यानी कि स्पिन बॉलर्स हैं। लास्ट 5 मैचेस में अगर हम देखते हैं तो पहले मैच में जो कि इनका परफॉर्मेंस ठीक था, 9 रन प्लस 2 विकेट, उसके बाद 4 मैच में ना ही बैटिंग ना बॉलिंग, मतलब कुछ क्लियर तरीके से मतलब इनका परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला और स्पेल भी कंफर्म नहीं मिल रहे थे दोस्तों। और इस मैच में देखिए बात करते हैं, इस मैच में भी मुझे लग रहा होप की ओवर इनके स्पेल के कटने वाले हैं। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूजा भी आपको टीम में देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट मैच बहुत गजब था, जितने भी मैचेस खेले अच्छी खासी विकेट प्रोवाइड की, 2 विकेट 3 विकेट और ऐसे करके दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं कि परफॉर्मेंस की, तो सामने वाली टीम के केस में एक विंस नहीं है दोस्तों, ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, एवरेज ठीक ठाक रहता है, बट यार टीम में रखने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। स्पिन फ्रेंडली पिच है यार, उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बैटिंग भी थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, तो फिलहाल उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। बाकी स्पेल तो फिलहाल कट जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। डिप्टी शर्मा की बात करते गए तो फिलहाल ऑलराउंडर हैं और ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर्स हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट ट्रंप प्लेयर्स हैं और टीम के लिए तो जैकपॉट हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि लास्ट 5 मैचेस की, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, 33 रन प्लस 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर यहाँ पे जो कि मैच का नो रिजल्ट था, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, तो मतलब यार हर मैच में आपको विकेट बैक टू बैक ये प्रोवाइड करने। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान वुमेन्स के गेस में, 2 मैच इन्होंने खेले जिसमें 16 रन बनाए, बैटिंग देखिए बहुत नीचे आते आपको पता है, बट अगर बॉलिंग देखते हैं 4 मैच इन्होंने बॉलिंग करी जिसमें 4 विकेट हैं, तो कहीं ना कहीं यार कंसिस्टेंट है रिसेंट और हेड क्वार्टर्स में, तो दोस्तों इनको टीम में रखेंगे और कैप्टन आप कर लीजिए, या तो वाइस कैप्टन या कैप्टन कर लीजिए। अभी फिलहाल के लिए किनके साथ इनका कॉम्बिनेशन करेंगे वो मैं आपको आगे वीडियोज में बताऊंगा दोस्तों। बात करते हैं पूजा वस्त्राकर की, तो राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर से दोस्तों, रिसेंट देखिए बैक टू बैक आपको विकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। सामने वाली टीम के केस में अगर देखते हैं फिलहाल पाकिस्तान वुमेन्स के केस में, 1 मैच में 5 रन है और 1 मैच में दोस्तों 2 विकेट हैं, तो कंसिस्टेंट और एडवांटेज है दोस्तों प्लेइंग में शामिल होकर आपको जरूर दिखाई देंगे। मगर अगर हम बात करते हैं स्पेल की ओर की, देखिए डिप्टी शर्मा के 4 तो कंफर्म रहने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पे फिलहाल राधा यादव 4 कंफर्म, रेणुका सिंह ठाकुर ये भी 4 कंफर्म ओवर हो जाएंगे और गायकवाड के भी 7 दोस्तों 4, तो मतलब कहीं ना कहीं 16 ओवर हो जाएंगे। उसके बाद 4 ओवर बचते हैं, तो यार पूजा और फिलहाल देविका दो में 2-2 ओवर हो सकते थे गाइस। ठीक है, अगर देविका नहीं कराएंगे तो 4 पूजा कराने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देविका थोड़ा सा रिस्की हो सकती है। फिर बात करते हैं गाइस यहाँ पे देखिए पूजा वस्कर तो हम टीम में रखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं राधा यादव की, देखिए स्पिन बॉलर्स हैं और रिसेंट गाइस 3 मैच इन्होंने खेले थे जिसमें कि पहले मैच में 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर उसके बाद मैच का नो रिजल्ट था, टीम में प्लेइंग में शामिल तो गाइस रखने लायक रहेंगी रिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हो। बट अगर हम देखते हैं पाकिस्तान वुमेन्स के गेस में, 3 मैच में उनको 2 ही विकेट मिल रहे हैं, कंसिस्टेंट प्लेयर है गाइस आपको बता दूं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो फिलहाल 58 मैच में 56 विकेट हैं, तो मतलब टीम में इनको ट्राई करेंगे बट सभी टीम में रख भी नहीं सकते, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, एडवांटेज है बैट्समैन को उसके अकॉर्डिंग गाइस। ठीक है, बात करते हैं रेणुका सिंह ठाकुर की, तो गाइस फिलहाल रिसेंट उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं जिसमें कि कोई विकेट इनको नहीं मिली दोनों मैचेस में, बट अगर बात करते हैं पाकिस्तान वुमेन्स के गेस में 2 मैच में 2 विकेट है, तो कंसिस्टेंट है गाइस हेड क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग। बाकी टीम में रखने से पहले आप ओवरऑल देखते हैं तो 22 इनिंग में 21 विकेट हैं। स्पेस वाले बॉलर्स को बता दूं कि जैसे पेस बॉलर्स हैं तो उनको कुछ ज़्यादा यहाँ पर एडवांटेज नहीं है, बॉलिंग की अगर देखेंगे तो स्पिन के लिए बहुत गजब के पीछे, तो यार मतलब उसके अकॉर्डिंग रेणुका सिंह ठाकुर को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में कुछ खास नहीं है और हेड वर्ड ठीक है, तो यार 2 टीम बनाएंगे तो 1 टीम में हम इनको पिक कर सकते हैं, बाकी 1 टीम बनाएंगे तो यार ड्रॉप कर सकते हैं। गायकवाड की बात करते हैं गाइस, बैक टू बैक आपको लास्ट मैचेस में जो कि 5 मैच आपने देखे बढ़िया विकेट, यहाँ पे 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर यहाँ पे 9 रिजल्ट मैच का, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। सामने वाली टीम के केस में कुछ खास नहीं है, 2 मैच में 1 ही विकेट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की होगी। ओवरऑल 43 मैच में दोस्तों 54 विकेट है, तो यार ओवरऑल T20 मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो इनको टीम में दोस्तों हम जरूर रखने वाले। अब बात करते हैं इस बेंच प्लेयर की, देखिए स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं आज का बढ़िया, हरदीन देवल, अंजलि सारवानी, शिखा पांडे, स्क्रीन शॉट आप दोस्तों ले लीजिए, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाइए, वहाँ पर मैं अपडेट देता ही रहता हूँ। अब बात करते हैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम के प्लेइंग के बारे में, मुनीब अली जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जवेरी खान के साथ जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन ओपन करने वाले दोनों के दोनों प्लेयर्स दोस्तों। बात करते हैं मुनीब अली की, तो रिसेंट जो कि इन्होंने 5 मैचेस खेले हैं जिसमें कि 18 रन, 27 रन, 8 रन, 23 रन और 9, तो मतलब टीम में रखेंगे तो ठीक ठाक पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यार कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाने वाले, क्योंकि हमने डिप्टी शर्मा, गायकवाड और ये सारे प्लेयर्स को हमने मौजूद रखा है टीम में, पूजा को वत्स ठाकुर को भी हमने रखा है, तो आप समझ सकते हैं जब हम भरोसा वहाँ पे बॉलिंग भी कर रहे हैं तो यार बैट्समैन पर यार थोड़ा सा कम भरोसा करने वाले। ठीक है, हेड क्वार्टर से अगर बात करते हैं इंडिया वुमेन्स टीम के गेस में, उन्होंने 3 मैच में 61 रन बनाए हैं, 30 करोड़ से बैटिंग करें, तो कंसिस्टेंट है यार टीम के गेस में, तो इनको टीम में हम जरूर रख सकते हैं। जावेद खान की अगर हम बात करते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है, रिसेंट इन्होंने 3 मैच खेले, पहले मैच में 16, उसके बाद 4, फिर 12,
अगर हम बात करते हैं न्यू मिस के अगेंस्ट में, तो 4 मैच उन्होंने 50 रन बनाए, 12 करोड़ से बैटिंग करें, तो कंसिस्टेंट नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करें सभी टीम में रखेंगे तो सभी टीम में इनको लेकर के जाने वाले नहीं है। बिस्मा मारुदू की टीम के कैप्टन लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। लास्ट 5 मैच अगर हम देखते हैं तो यार एडवांटेज इनके पास मौजूद है, क्योंकि देखिए 21 रन, 44 रन, 1 रन, 29 रन, 24 रन दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इनोमिस टीम के गेंस में, तो 7 मैच में 138 रन है, 19 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, हाई स्कोर इनका हेडक्वार्टर में 53 था। तो टीम में रखने की बात करें गाइस, तो इनको हम टीम में पिक कर सकते हैं। अब बात करें कि जैसे अपने अपने टीम में दोस्तों, तो वहाँ पे देख रहे हैं और डीपी शर्मा मतलब मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, रिसेंट परफॉर्मेंस भी एडवांटेज है उनके पास, तो यार वैसे ही यहाँ पे इस टीम के लिए नींदर दर है दोस्तों, क्योंकि राइट हैंड बैट्समैन स्पिन बॉलर्स हैं, इनका भी गजब का परफॉर्मेंस है। अगर हम बैक टू बैक लास्ट 5 मैचेस देखते हैं तो देखिए 24 रन प्लस 0 विकेट, उसके बाद फिर 29 रन प्लस 2 विकेट, फिर 8 रन प्लस 1 विकेट, फिर 5 रन प्लस 2 विकेट, फिर यहाँ पे लास्ट मैच में 2 विकेट। बट अगर हम बात करते हैं इनका बैटिंग ऑर्डर भी आपको पता है थोड़ा सा ऊपर है डीपी शर्मा से ऊपर, तो मैंने कहा था कि आगे चल के बताऊंगा आपको डीपी शर्मा के साथ हम किसका सेफ कैप्टन वाइस का हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे। तो यार मेरे हिसाब से नींदर दर बेस्ट रहेंगी दोस्तों। अगर हम बात करें कि सामने टीम के केस में, इस टीम के अगेंस्ट जो है 6 मैच उन्होंने खेले, 132 रन बनाए, 44 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं, और 6 इनिंग में 6 विकेट भी इनको मिले। तो यार हेडक्वार्टर बहुत ही गजब कंसिस्टेंट है, और मेरे हिसाब से सभी अगर देखते सभी प्लेयर्स में सबसे अच्छा जो कि हेडक्वार्टर परफॉर्मेंस एवरेज है इनका ही है दोस्तों, 44 का एवरेज। तो क्या करना है दोस्तों, निधर और डीपी शर्मा का कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन कर लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी कॉन्टेस्ट में आप खेलते तो आपका प्रॉफिट जरूर होगा दोस्तों। बात करते हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल भी दोस्तों ये ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस देती है। ऐसा नहीं जो कि आपको राइट हैंड बैट्समैन मिलेंगे दोस्तों, रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं लास्ट 5 मैचेस की, तो गाइस उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं दिखे, बट यार टीम में रखने लायक प्लेयर्स देखने को मिले दोस्तों। कि 5 मैच अगर देखते हैं, पहले मैच 0, फिर 24, फिर 5, फिर 20, फिर 21। अगर हम बात करते हैं इंडिया में टीम के गेस में 7 मैच दोस्तों उन्होंने 75 रन, 10 करोड़ से, तो यार यहाँ पे फ्लॉप है टीम के गेस में दोस्तों। क्या करना है, रिसेंट मैचेस को देख करके कुछ टीम में हम ट्राई करने के लिए सोचेंगे, बट सभी टीम में रखेंगे नहीं, और क्योंकि एडवांटेज उतना ज़्यादा हेडक्वार्टर्स में दोस्तों इनके पास है नहीं। आलिर रियाज की अगर हम बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट फॉर्म में अगर हम बात करते हैं गए, तो लास्ट 5 मैचेस में अगर हम देखते हैं तो 3 मैच में लगातार पहले फ्लॉप थी, उसके बाद बैटिंग नहीं, फिर लास्ट वाले मैच में 48 रन गए। इंडिया वोमेंस टीम के गेस में 3 मैचों 29 रन है, 9 करोड़ से बैटिंग करें तो यार उतना ज़्यादा खास परफॉर्मेंस इनका भी नहीं है दोस्तों, हम इनको भी ड्रॉप कर सकते हैं टीम से। उमेश सोल की अगर हम बात करते हैं, तो फिलहाल राइट हैंड बैट्समैन स्पिन बॉलर्स हैं, और रिसेंट फॉर्म अच्छा था दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 8 रन प्लस 1 विकेट, 13 रन 0 विकेट, उसके बाद 21 रन प्लस 1 विकेट, फिर 30 रन, फिर 10 रन दोस्तों। और जिसमें बैटिंग करेंगे दोस्तों, जब हम टॉप ऑर्डर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे आलिया रियाज को ड्रॉप कर रहे हैं, आसान नसीम को ड्रॉप कर रहे हैं, तो यार मेरे हिसाब से फिलहाल आपको उमेश सहल को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि स्पिन को देखिए इनके भी कटते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पूरे कन्फर्म नहीं है, बट अगर स्पिन फ्रेंडली पिच है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको स्पेल मिलते हैं तो मतलब कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, मैं नहीं तो बैटिंग दोस्तों ये करने ही वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी सामने टीम के केस में, यानी कि इंडिया वुमेंस के केस में 3 मैच में 13 ही रन है, और 1 इनिंग में बॉलिंग कर रहे थे जिसमें 1 विकेट इनको मिली हुई है। फातिमा सनी की बात करते हैं, राइट एम्पायर बॉलर्स हैं, लास्ट 5 मैचेस अगर हम देखते हैं तो पहले मैच में 3 विकेट, उसके बाद 3 मैच लगातार फ्लॉप, 0-0-0-0 विकेट, उसके बाद लास्ट वाले मैच में फिर 1 विकेट, मतलब 5 मैच में 4 विकेट, तो यार कुछ कंसिस्टेंट नहीं है कि टीम में रखें नहीं रखें, तो मेरे हिसाब से इनको पहले टीम में हम ड्रॉप करेंगे, क्योंकि पहले मैच में दोस्तों अगर आप देखते हैं हेडक्वार्टर्स, तो 1 मैच में इनको 0 विकेट इंडिया वुमेंस टीम के अगेंस्ट में है, ओवरऑल 17 मैच में 12 विकेट लेकर के जा रही हैं। नसरुल संदूदी की बात करें दोस्तों, फिलहाल ये स्पिन बॉलर्स हैं, और जहां तक इनको टीम में हम जरूर ट्राई करेंगे, और गाइस आपको जो है पाकिस्तान वुमेंस टीम में प्लेइंग में देखने को भी मिल सकते हैं। रिसेंट 1 मैच खेले बट कोई विकेट नहीं, क्योंकि दोस्तों इंडिया वुमेंस के केस में इन्होंने 2 मैच खेले जिसमें 4 विकेट उनको मिली हुई हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं 39 मैच में 37 विकेट हैं टीम में दोस्तों, हम इनको रखेंगे, स्पिन फ्रेंडली पिच है, और मतलब कुछ अच्छा हेल्प इनको मिलेगा क्योंकि हेडक्वार्टर भी ठीक ठाक ही है। तो बस दोस्तों अगर हम बात करते हैं राइट एम्पायर बॉलर्स हैं, बात करते हैं कि लास्ट 5 मैचेस से आप पूरे तरीके से फ्लॉप हैं, 5 मैच में कोई विकेट इनको नहीं मिली लास्ट वाले में, बट अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर्स की, तो इंडिया वुमेंस के गेम्स में 2 मैच में 2 विकेट हैं, तो यार यहाँ कंसिस्टेंट है, पर यार सभी टीम में इनको भी ट्राई नहीं करना। देखिए एक टीम में आप हेडक्वार्टर को देखते हुए रख लीजिएगा, दूसरी टीम में आप यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन अगर आप करके चलते तो आपका प्रॉफिट होना ही होना है किस भी प्लेयर के साथ दोस्तों, आप करके जाते हैं। तो सादिक अकबर की हम बात करते हैं दोस्तों, रिसेंट इन्होंने 2 मैच खेले जिसमें पहले मैच में 2 विकेट, उसके बाद 0 विकेट। अगर हम बात करते हैं इंडिया वुमेंस टीम के गेम्स में, तो 1 मैच में 2 विकेट है, यार कंसिस्टेंट है, इनको हम टीम में ट्राई कर सकते हैं सादिया इकबाल को। बेंच प्लेयर दोस्तों आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ऐमान अनवर और जो कि सिद्रा नवाज, सदाफ सामस दोस्तों, ठीक है, ये जो कि मिलने वाले। बाकी यार आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, फटाफट ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री में टीम वहाँ पे मिलती हैं, और गाइस आप लिंक से ही जो कि ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, ठीक है, सर्च करके बिल्कुल ही ज्वाइन नहीं करना, अदरवाइज आप बिल्कुल फेक अकाउंट में जा सकते हैं, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट हैं जो कि आपसे पैसे मांगते हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री में टीम प्रोवाइड करता हूँ, तो यार आप लोग जो
फिलहाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहीं से ज्वाइन करें। जब आप मेरे चैनल पर जाइएगा दिलशाद अहमद करके, तो वहाँ पे जब ओपन करेगा मेरे चैनल को दोस्तों, मेरे ऑफिशियल यानी कि इसी यूट्यूब चैनल का लिंक भी मैंने वहाँ पे ऐड कर रखा, अगर वो ऐड है तो समझ लीजिए रियल है दोस्तों, ठीक है। बाकी एक टीम मैं आपको शो करा देता हूँ। गाइस ये मेरी पहली टीम लगी, चूंकि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने प्लेयर स्टेट्स, हेड कॉर्ड्स, वेनी कॉर्ड्स और सब कुछ हमने क्लियर किया उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है। डीपी शर्मा पहली टीम में कैप्टन रहेंगे, वाइस कैप्टन नीरज धर, और बॉल का सिलेक्शन आप देख सकते हैं, और ये फिलहाल मैंने टीम इसलिए प्रोवाइड की आप सभी फंटेसी एप्लीकेशन प्रकार से जा सकते हैं। ड्रीम इलेवन की न्यू फॉर्मेट टीम जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसमें फिर मैं राधा यादव को ड्रॉप करूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो कि ऋचा घोष को ट्राई कर सकता हूँ। ये सारे जो कि अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों इंडिया टीम के लिए आपको सपोर्ट जरूर करना है, इंडिया वुमेंस टीम कॉमेंट जरूर करना दोस्तों, और वीडियोज़ को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।